स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी पे लेटर एप्लीकेशन की तलाश में हैं, सो गाइज तो यहां पे देख सकते हैं एक पे लेटर एप्लीकेशन है जिसके अंदर मुझे लिमिट गाइज यहां पे मिला हुआ है 22,000 रुपए, जो कि लिमिट मिला हुआ है, जिसमें से मैं चाहूँ तो दोस्तों इस अमाउंट को किसी भी शॉप पे अगर आप सभी चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जितना भी ऐप दिया हुआ है इन सभी पे आप सभी चाहे तो इस अमाउंट से जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर जो भी अमाउंट मिलता है उन सभी को जो कि आप शॉपिंग पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, किस तरीके से आप सभी को ये अमाउंट मिलेगा, कैसे आप सभी इसको जो कि इस्तेमाल करेंगे, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो मेरा लिमिट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 22,000 रुपए लिमिट जो कि मिला हुआ है। तो इस लिमिट को अगर आप सभी इस्तेमाल करना चाहे तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सभी शॉपिंग करना चाहते हैं तो पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, आप सभी को कोई भी इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो जैसे कि कई एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप सभी शॉपिंग करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से तो भी कर सकते हैं, अमेजोन से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या मिंत्रा से भी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज ये जितने भी ऑप्शन दिया गया है इन सबसे भी आप सभी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस अमाउंट को कैसे आप सभी ऑर्डर करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर आप सभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए आप सभी को यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वाउचर जो कि आप सभी को क्रिएट करना होगा। तो वाउचर आप सभी कैसे क्रिएट करेंगे वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आप सभी को मिल जाता है परचेज का, इस वाले पे हम क्लिक करते हैं। तो करने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो कि मैंने यहाँ से 3,000 रुपए का वाउचर क्रिएट किया था। तो चलिए हम इसका डिटेल पहले आप सभी को बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज यहाँ पे आप सभी को लगेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,000 रुपए का लिमिट जो कि मुझे मिला था 3 मंथ के लिए। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोज हो चुका है 25/4/2022 को, मेरा यहाँ पे क्लोज हो चुका है। चलिए हम यहाँ पे सारा हिस्ट्री आप सभी को दिखा देते हैं। सो गाइस, तो अब आप सभी यहाँ पे देखिए कि टोटल 3 EMI बना था। नीचे देखिए कि 3,000 रुपए का मैं वाउचर क्रिएट किया था, उसके बाद मेरा प्रथम EMI बना था गाइज 1,047 रुपए का, दूसरा EMI भी बना था गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी 1,047 का, और तीसरा EMI 1,060 रुपए का था। तो दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वाउचर क्रिएट करते हैं मंथली EMI में तो आप सभी चाहे तो यहाँ पे 6 से 9 मंथ के लिए भी यानी कि EMI पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फिलहाल 3 मंथ का ही जरूरत था तो मैं 3 मंथ के लिए ही लिया हूँ, अगर आप सभी चाहे तो 6 से 9 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। 3 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, आप सभी 9 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी वाउचर क्रिएट करके और फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो कि शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट के। तो मान लीजिए कि अगर आप सभी कोई भी प्रोडक्ट इस अमाउंट से लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, तो जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। तो मान लीजिए आप सभी को फ्लिपकार्ट से लेना है तो फ्लिपकार्ट वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप सभी देख लेंगे जैसे कि बाय नाउ करना है, उसके बाद जीएसटी मनी सिलेक्ट करेंगे, EMI का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आप सभी सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर लेंगे, ऑर्डर आप सभी का लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को मिल जाता है गो टू फ्लिपकार्ट का ऑप्शन, इस वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो करने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर हम ऑटोमेटिक जो कि आ चुके हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप सभी को यहाँ पे लेना है सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी पेमेंट पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाता है EMI इजी इंस्टॉलमेंट, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी को जीएसटी मनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस इसी वाले पे आप सभी क्लिक टिक मार्क कर लेंगे, और करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सभी को 3 ऑप्शन मिल जाता है। पहला, अगर आप सभी इस अमाउंट को 6 मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरा देख सकते हैं गाइस 586 रुपए का मंथली EMI जो कि पेमेंट करना होगा 6 मंथ के लिए। अगर हम 9 मंथ में सेट करना चाहते हैं तो 408 रुपए का मंथ पे करना होगा। अगर हम यहाँ पे 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, 12 मंथ के लिए लेना चाहेंगे तो यहाँ पे 319 रुपए जो कि पेमेंट करना होगा पर मंथ। इस तरीके से आप सभी यहाँ अपना मनपसंद जो कि मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले पे आप सभी क्लिक कर देंगे तो आप सभी का यहाँ पे ऑर्डर जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा, और अपना मनपसंद EMI जो कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे।
तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का अमाउंट जो कि आप सभी इस पे लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से। तो दोस्तों आप सभी पूछेंगे कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है जेस्ट मनी शॉप ऑन इजी ईएमआई। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके जो कि आप सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप सभी को फर्स्ट टाइम अप्लाई नहीं करने आता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप सभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करके लेना चाहते हैं तो पहले वाला वीडियो मेरा जाकर के आप सभी देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है। उस वीडियो में मैं सारा डिटेल आप सभी को बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।